gold medalist and Commonwealth champion, representing India, Monica Batra. इंडियन फ्लैग जब आपका ऊपर जाता है और नेशनल एंथम बजता है तो लाइक गूज़बम्स आते हैं. अभी भी लाइक बोलते हुए भी मुझे वो फीलिंग आ रही है कि हाउ हैप्पी आई वाज स्टैंडिंग ऑन दैट पोडियम. जब मैं 4 साल की थी तब मेरे को बिल्कुल नहीं पता था कि मैं इस लेवल तक पहुंच जाऊंगी. उस टाइम ऐसा होता था कि फ़न के लिए खेलते थे जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं, तो माइंड में नहीं था कि मैं इंटरनेशनल लेवल इंडिया को रिप्रेजेंट करूँगी. मॉडलिंग के ऑफर्स आए थे बट मेरे माइंड में एक ही चीज़ था कि मुझे टेबल टेनिस में ही आगे पहुँचना है और टेबल टेनिस इस गेम को आगे पहुँचाना है. 2008 में सिर्फ 13 साल की उम्र में देश का प्रतिनिधित्व कर मनिका ने ये साबित कर दिया कि टेबल टेनिस को अपने जीवन का लक्ष्य बनाने में उन्होंने कोई गलती नहीं की. आने वाले वर्षों में 2015 कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप और 2016 साउथ एशियन गेम्स में भारत के लिए मेडल जीतकर मनिका की नजर 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स पर थी जहां उन्होंने इतिहास रच डाला. इट वाज बिग सेंसेशन इन 2018. She won 4 medals in Commonwealth Games. Nobody was surprised that ITTF gave a breakthrough award to Manika. Manika Batra ki jeet mein unka brahmastr hai, unki switch ki technique. Twiddle jo switch karti hu main abhi, wo main jaise ghar pe baithte khate hue aur सोच रही होती हूँ अगर कुछ तो मैं ट्विडल करती रहती थी, तो वो मेरी आदत बन गई थी. एंड मैंने सोचा कि क्यों ना मैं टेबल पे इम्प्लीमेंट करूँ एंड इट रियली वर्क्ड फॉर मी. मनिका का लक्ष्य सिर्फ जीतना नहीं है, एक उदाहरण बनना भी है ताकि देश के गांव-गांव से लड़कियां अपनी पहचान बनाने के लिए टेबल टेनिस को अपना रास्ता बना सके. मैं यंग जनरेशन के लिए आई एम ऑलवेज अवेलेबल. वेयर आई प्ले इन इंडिया खेलेगा सेंटर, वहाँ पे भी बहुत सारे यंग किड्स हैं, तो उनको अपने बिजी स्केड्यूल के टाइम लेकर मैं उनको कभी कभी टेक्निक के बारे में बताती हूँ. जो टॉप स्कीम इनिशिएटिव ये शुरू किया है बहुत अच्छा है एंड प्लेयर्स को बहुत हेल्प मिल रहा है इससे. एंड फ्री माइंड से हम खेल सकते हैं, कहीं भी टूर्नामेंट जा सकते हैं एंड दे आर देयर फॉर अस. मेडल जीतने की उम्मीद तो देश अपने हर खिलाड़ी से रखता है, पर कुछ खिलाड़ी होते हैं जिनसे उसी उम्मीद पर 100% यकीन होता है. मनिका उन्हीं खिलाड़ियों में से एक है. कॉमनवेल्थ गेम्स में इतिहास रचने के बाद आज पूरे विश्व की निगाह मनिका के ओलंपिक्स के प्रदर्शन पर है, जिसका टिकट वो एशियन ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में हाईएस्ट रैंक्ड सेकंड प्लेस्ड प्लेयर बनकर हासिल कर चुकी है. ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाना सबका ड्रीम होता है एंड पर्सनली मेरा भी है. मेरा हमेशा से एम है कि मुझे उस लेवल पे लाना टेबल टेनिस को, और सबकी सोच बदल दी है कि टेबल टेनिस भी कुछ है और ये लोग भी ओलंपिक में कुछ ला सकते हैं. मनिका भी टेबल टेनिस में भारत के स्वर्णिम भविष्य का नया अध्याय लिखने को तैयार है और बन चुकी है 130 करोड़ भारतीयों की ओलंपिक्स की आशा.